सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों को गुजरात के भुज से अरेस्ट किया है। क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर ने इसकी पुष्टि की है। दोनों को मुंबई लाया गया है जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं 16 अप्रैल को उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपी शूटर्स की पहचान विक्की साहब गुप्ता जो कि 24 साल का है और सागर श्री जोगेंद्र पाल जो कि 21 साल का है। दोनों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से बताए जा रहे हैं। चौदह अप्रैल की सुबह करीब 5 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 से 4 राउंड फायरिंग की और मौके से भाग गए। दोनों ने हेलमेट पहने थे। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के बाद आरोपियों ने अपनी बाइक एक चर्च के पास छोड़ दी थी। इसके बाद कुछ दूर पैदल चले और एक ऑटो रिक्शा लेकर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान के अपार्टमेंट के बाहर उन गोलियों के निशान भी मिले हैं जो चलाई गई थी। बता दें कि इस मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस विश्नोई और गैंगस्टर गोली बरार कई बार सलमान खान को मारने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से वारदात की जिम्मेदारी ली गई वो अनमोल विश्नोई का ही है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।